state religion. As a result, many persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities have faced persecution on grounds of religion. But sir, in the bill, nowhere it has been mentioned that the citizenship will be granted to those who have fallen victim of religious persecution. Right. Therefore, there is no reasonable nexus between the statement of object and reason and the bill. Therefore, this bill is defective and the debate should be adjourned till such period the bill is rectified. Right. I have heard your argument and I have gone through the rules procedure also. The Lok Sabha has discussed it, approved it, and then I have received the bill, I have gone through the bill, and then I have given permission after getting myself fully satisfied that this bill is in order. There is no ground made out for seeking any adjournment of the debate on the bill under Rule 230 on the paras of SOR which do not part of the bill which is under consideration of the House. Therefore, the motion appears to be Article Class 2 of R 230 being an abuse of rules of council. And the I have given a ruling. Now the discussion is on. Mantri ji, you got a time, na? Sabhapati Mahode. आज मैं इस गरिमामय सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। माननीय इस बिल के जो प्रावधान है वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला एक बिल है। मनवर, थोड़ा पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहूंगा कि विभाजन के बाद एक हम सबकी कल्पना थी कि जो नागरिक यहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं और पड़ोसी देशों में भी जो अल्पसंख्यक रहते हैं वो सब अपने अपने नागरिक अधिकारों के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी पाएंगे, अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे, अपने परिवार के सम्मान का और विशेषकर परिवार की स्त्रियों के सम्मान का वो रक्षण भी कर पाएंगे और उनको रक्षण करने का अधिकार भी होगा। परंतु माननीय, कई दशकों के बाद जब इसकी ओर मुड़ कर देखते हैं तो कटु सच्चाई ये सामने आई है कि चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे समय समय पर बांग्लादेश हो, ये जो अल्पसंख्यक वहां रहते थे उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हुई, उनको समानता का अधिकार नहीं मिला। जब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, बंगबंधु मुजीबुर रहमान साहब ने प्रयास किया सुधारने का, मगर दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई और एक लंबा कालखंड अभी का शासन आने के पहले ऐसा आया कि वहां घोर प्रताड़ना। माननीय, आंकड़े में बाद में जवाब में लेकर आऊंगा, मगर मैं कहना चाहता हूं दोनों पाकिस्तान में, पूर्वी और पश्चिम और आज के बांग्लादेश के अंदर लगभग 20-20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों की आबादी में कटौती हुई है, कमी हुई है। कहां गए लोग? या तो वो कहीं ना कहीं रूप से मार दिए गए, धर्म परिवर्तन हो गया, या तो शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए वो भारत में आए। मानवर, भारत में आए, यहां पर उनको ये संरक्षण मिलना चाहिए था, मगर सालों तक नहीं मिला। ना उनको नागरिकता मिली, ना घर खरीदने का अधिकार मिला, ना नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के सुविधाएं मिली, और वो लोग आज अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकरे खा रहे। मान्यवर, ये बिल है सभी ऐसे प्रताड़ित लोगों को जो धर्म के आधार पर
प्रताड़ना सहन कर भारत में आए हैं, ये सभी लोगों को नागरिकता देने का अधिकार लेकर ये बिल आया है और कुछ विशेष रियायतें भी इन निश्चित वर्ग के लिए हमने सोची है इस बिल के अंदर। मैं बाद में इस पर आता हूं। मैं इस सदन का आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता का ध्यान दिलाना चाहता हूं माननीय कि 2019 में जब आम चुनाव हुए तो आम चुनाव में अभी जो पार्टी सत्ता में है वो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथी दल सबने मिलकर एक घोषणा पत्र हमारा भारतीय जनता पार्टी का घोषित किया था और उसको देश की जनता के सामने हमने रखा था। सभापति महोदय, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये घोषणा पत्र जो सरकार बनने वाली है उसकी नीतियों की उद्घोषणा होता है, इसके आधार पर प्रचार होता है, देश की जनता इसके आधार पर अपना मत व्यक्त करती है और किसी एक दल को चुनकर जिसका मैनिफेस्टो अच्छा लगे किसी एक दल को चुनकर उसको शासन का अधिकार देती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर असंदिग्ध तरीके से इस बात की घोषणा करी थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं सबको कहना चाहता हूं, मैं सब साथियों को कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव के पहले ही ये इरादा देश की जनता के सामने रखा था जिसको देश की जनता ने जन समर्थन दिया है और देश की जनता ने शासन करने का मन दिया। लोकतंत्र के अंदर जनादेश से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं हमने इस घोषणा पत्र के अंदर लिखा था हम पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसको लागू करें। साथ में हमने यह भी कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में उन वर्गों के लिए सभी मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंका व्यक्त की है और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षा के लिए भी हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है उसको हम एड्रेस करेंगे, वो भी हमने कहा। माननीय मुझे आनंद है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार चल रही है, आज मोदी जी के नेतृत्व में मैं जो बिल लेकर इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं इसमें हमारी ये दोनों घोषणाओं का आज हम इसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। तीनों पड़ोसी देश इनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर उनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का अमेंडमेंट लेकर आए हैं और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके अधिकारों को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उनके सामाजिक पहचान को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए भी इसके अंदर हम चिंता करते हुए प्रावधान लेकर आए हैं। और बिल के डिटेल प्रावधान में मैं बाद में जाऊंगा, मगर सरल भाषा में, क्योंकि देश की जनता भी इस सदन की बहस को देख रही है बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, तो सबके मन में स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं सरल भाषा में बिल क्या है कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो तीन देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं वो तीनों देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी ये लघुमति के लोग, वहां की लघुमति के लोग जो भारत में आए हैं उनको किसी भी समय आए हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का इस बिल में प्रावधान है। इसका मतलब आजादी के बाद
बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले वो तीन देशों के माइनॉरिटी के लोग जो यहां आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के हितों की चिंता भी की है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। माननीय लोकसभा में चर्चा चली, कुछ अखबारों के मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। माननीय मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है, वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो, किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दें? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो तीन राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। और मैं आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे ये बताइए, मैं जब जवाब देने खड़ा हूंगा तब पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा, आपके एक एक जो शंकाएं हैं, सवाल है, आपका एक एक स्पष्टीकरण जो मांगेंगे वो सब स्पष्टीकरण करूंगा। मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों पर जो प्रताड़ना हुई है माननीय, वो जाए कहां, कहां जाए? उनको जीने का अधिकार है या नहीं? हम देना चाहते या नहीं देना चाहते? वो किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहां के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। किसी को भी चिंता करने की, कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और संविधान के स्पिरिट के साथ चल रही है, माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें आप स्पिरिट के साथ चल रही है, माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें आप सुनिए, बाद में जब आप मेरा सभी विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं, उनको चुनौती है कि जब आपको बोलने का मौका मिले मुद्दा के साथ पॉइंट उपस्थित करिएगा। मैं हरेक चीज का जवाब देने के लिए बाध्य भी हूं, तैयार भी हूं और दूंगा, बशर्ते आप बैठिएगा, चले मत जाइए। आप बैठिएगा, मैं हरेक चीज का जवाब दूंगा। माननीय, मैं बिल के कुछ प्रावधानों को बताकर मेरा प्रारंभिक भाषण समाप्त करूंगा। माननीय, बिल के अंदर हम जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(ब) में जो प्रावधान है कि पासपोर्ट, वीजा और ट्रैवल दस्तावेज के बगैर जो प्रवासी भारत में आते हैं या जिनका पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर कर जाता है, कालबाह्य हो जाता है, उनको अवैध प्रवासी माना जाता है। अब हम इसके अंदर सुधार लेकर आए हैं माननीय, और अब ये जो मैंने 6 वर्ग कहे, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, ये जो 3 देशों से आते हैं उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, इसमें से उनको मुक्ति दे दी गई।
नागरिकता अधिनियम की नई धारा 6BB लाने का प्रस्ताव है मान्यवर इसमें, और इसमें प्रस्ताव है कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों और प्रतिबंधों के तौर तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके माध्यम से वो भारत की नागरिकता ले पाएंगे। यह प्रावधान भी किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या तीसरे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उनको जिस तिथि से वो भारत में आए हैं उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब होता है मेरे बंगाल के अंदर ढेर सारे शरणार्थी आए हुए हैं, अगर वो 55 में आए, 60 में आए, 70 में आए, 80 में आए, 90 में आए या 2014 की 31 दिसंबर के अगले दिन आए, वो सभी को उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी कि जिस तिथि से वो आए हैं, तो उनको कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। मान्यवर, अगर ऐसे अल्पसंख्यक प्रवासी के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में, घुसपैठ या नागरिकता के बारे में कोई भी केस चल रहा है तो ये केस ये बिल के विशेष प्रावधान से वहीं पर समाप्त हो जाएगा, वो लीगल प्रोसीडिंग उनको सहन नहीं करनी पड़ेगी, उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। इस धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक अगर किसी भी प्रकार के अधिकार या प्रिविलेज ले रहा है तो इस प्रावधान के तहत वह अधिकार व प्रिविलेज से वंचित नहीं कर दिया जाएगा। माननीय कई जगह कुछ जो शरणार्थी आए हैं, छोटी मोटी दुकान कर खरीद लिए हैं, अपना काम कर रहे हैं, कानून की दृष्टि में हो सकता है वो अवैध हो, गैर कानूनी हो, मगर ये बिल उनको प्रोटेक्ट करता है कि इन्होंने भारत में अपने निवास के समय में जो कुछ भी किया है उसको रेगुलराइज ये बिल कर देगा, उनकी वो स्टेटस को कहीं पर भी नहीं करेगा। जो शब्द उठते शादी हुई, बच्चे हुए, ये सब चीजों को ये बिल इसको रेगुलराइज करेगा। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों दिए गए प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाते हुए शेड्यूल 6 छठे शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अब मणिपुर, पूरा मणिपुर भी नोटिफाइड हो चुका है, जनजाति इलाकों पर ये बिल लागू नहीं होगा। इसी तरह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1973 के तहत इनर लाइन परमिट के इलाके पूरे मिजोरम, अरुणाचल, अधिकांश नागालैंड और मणिपुर, ये सारे एरिया में भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। माननीय आसाम का जहां तक सवाल है, मैं आज इस सदन के सामने एक वास्तविक कटु वास्तविकता रखना चाहता हूं। माननीय आसाम के अंदर 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आसाम एकॉर्ड किया। आसाम एकॉर्ड के अंदर आसाम के लोगों को उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक पहचान, भाषाई पहचान और चुने हुए फोरम में उनके रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉज 6 बनाया गया। क्लॉज 6 के अंदर एक प्रावधान था कि क्लॉज 6 के माध्यम से एक कमिटी गठित करेगी भारत सरकार, और वो कमिटी ये सारी चीजों जो आसाम के मूल निवासी है वो अपनी पहचान बना पाए इसके लिए चिंता करेगी। श्री राजीव गांधी ने बड़े उदात्त भावना के साथ इसको साइन भी किया, आसाम के लोग खुश भी हो गए, फटाके जलाए और खुशियां मनाई, आंदोलन समाप्त हो गया। मगर 1985 से लेकर जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक क्लॉज 6 की कमिटी ही नहीं बनी, कमिटी ही नहीं बनी। 35 साल तक मांगे और किसी को चिंता ही नहीं हुई कि आसाम के लोगों के ये भाषा की रक्षा, साहित्य की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, सामाजिक पूरे परिवेश की रक्षा, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों पर जो करना था वो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं, आप बोले तब बताएगा कब हुआ,
नहीं हुआ, वो तब हुआ जब इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर, आई हैव टू नेम यू मैडम। मान्यवर, मैडम रानी जी बैठ जाइए। आसाम के नॉट द वे, आई डोंट नो के सभी, वी आर डूइंग दिस, सभी मूल निवासियों को, आप आराम से बोलिए। आसाम के सभी मूल निवासियों को मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लॉज 60 कमेटी के माध्यम से आपके सभी हितों की चिंता करेगी, इसमें किंचित मात्र शंका मत रखिए। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलने वाली सरकार है। और हम मानते हैं कि आसाम आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं वो सारे लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आसाम की समस्या का सच्चा समाधान लाने का अब समय आ गया। और माननीय, इसीलिए हमने क्लॉज 6 की कमेटी बनाई है जिसमें आसू भी है जिन्होंने आंदोलन किया था, आसाम गण परिषद के हमारे साथी भी हैं। मैं सबको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी जल्दी हो सके आप क्लॉज 6 की कमेटी का रिपोर्ट कृपया भारत सरकार को भेज दीजिए, जिससे भारत सरकार आपके हितों की रक्षा कर पाए। दिस इज मिसबिहेविंग, प्लीज सिट डाउन, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग शुड बी शोन। मान्यवर, नथिंग शुड बी शोन। आसाम के अंदर बीटीसी, कार्बी, आंगलोंग, डिमा हसाव, तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं राज्यसभा में, जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पेश किया जा रहा है। आज सरकार की अग्नि परीक्षा है राज्यसभा में, ऐसे में कि विपक्ष लामबंद है, करीब 12 से 13 पार्टियां सरकार के खिलाफ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भ्रांति फैलाने की कोशिश हो रही है कि ये बिल जो है वो इस देश के मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है उन्होंने कहा। ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का आधुनिकीकरण भी किया है। माननीय, जब मैं एक बताना चाहता हूं कि हमने जब ये बिल लेकर आए हैं तब ढेर सारी शंकाएं स्वाभाविक है यहां के और प्रतिपक्ष की, सभी सदस्यों के मन में है। मेरा इन सभी से निवेदन है, वैसे राज्य लोकसभा में मैंने डिटेल इसका जवाब दिया भी है, मगर फिर भी कुछ ऐसे बिंदु पहलू या तो लोकसभा में मैंने जो स्पष्टीकरण किया है वो हो सकता है पर्याप्त न हो, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं वो पॉइंट वाइज यहां पर रखिए, इस बिल को राजनीति की पक्षापक्षी की राजनीति से ऊपर उठकर आप इसकी चर्चा को कंट्रीब्यूट करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरेक आपकी शंका का, हरेक आपके मन में उठे सवाल का और हरेक आपकी जो स्पष्टता चाहिए इसका समाधान करने के लिए मैं बाध्य भी हूं, तैयार भी हूं, बड़ी धीरज के साथ सबको सुनकर मैं इसका समाधान करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। मगर कृपया जब लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर उनके जीवन के अंदर कई दशकों से जो प्रताड़ना वो झेल रहे हैं, जो अपमानित जीवन जी रहे हैं, उनको एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उनके लिए बिल पारित होते ही कल का सूर्य सुवर्णमय ही सूरज उगने वाला है, इनके जीवन के अंदर एक नई आशा की शुरुआत होने वाली है, इनके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत होने वाली है, इसमें हम सब शामिल हो। रिपन बोरावर, ऑल टाइम इफ यू रेज आई विल हैव टू नेम यू and he will lose both opportunity here and evening also. Manuvar, if you have, you want to add voice or you want to make a noise, choice is yours. Manuvar, main sabhi sawalon ka bade dhairya purvak jawab dunga, itna vishwas dilakar main meri baat ko samapt karta hu aur sabhi sadasyon ko kehta hu ki kripya jo aapke man mein sawal hai
इस सदन के पटल पर रखे, मैं इसके जवाब दूंगा।